अस्सलाम वालेकुम, मुझे अभी भी पता चला कि मेरे फेसबुक से मेरा वीडियो डिलीट है। तो मैं आप लोग की जो गलत फहमी है कि मैंने वीडियो डिलीट किया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कोई भी वीडियो डिलीट नहीं किया। क्या पता इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, किसने क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तक मुझे मुंबई के पद अधिकारियों से जो धमकियाँ आ रही हैं ना, तो मैं कहना चाहूँगी अगर मर्द हो तो सामने आके मुझसे बात करो, क्योंकि जो दूसरों के जरिए मुझे धमकियाँ दी जा रही है, मैं उन धमकियों से डरने वाली नहीं, ना कि आपके जो माफिया कनेक्शन है उनसे डरने वाली हूँ। अगर बात करनी है तो मैं मुंबई में हूँ, मुझसे आके बात करो। इन धमकियों से मैं कभी ना डरी थी और ना डरूंगी। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। बता दे, बीते रात भाजपा महिला अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष सुल्ताना खान पर जानलेवा हमला किया गया। जब वो अपने घर से निकलकर डॉक्टर राणा से मिलने जा रही थी कि तभी अचानक उन पर अज्ञात लोग बाइक सवार होकर आए और गाड़ी को रोक लिया, साथ ही कार के शीशे तोड़े और धमकी देते हुए कहा कि हम तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे और यह सिर्फ टोकन है, तुम उठ जाता रही हो। धमकी देते हुए जानलेवा हमला करके मौके से फरार हो गए। पति ने जानकारी दी कि 4 जून को सुल्ताना खान ने वीडियो शेयर किया था, जिसके चलते उन्हें कई बार धमकियां भी आ रही थी। शायद यह कारण हो सकता है जो आज इन पर हमला हुआ है। सुल्ताना खान जो हमारी वाइफ है वही बता सकती है असली का वजह क्या है, कारण क्या है, क्योंकि पूरा मैं खुद ड्राइव कर रहा था और टारगेट उनको ही किया गया था। चलती गाड़ी से बाइक से आके आगे रोक लिया और ऑल ऑफ सडन उतर के आगे का विंडस्क्रीन तोड़ा और लेफ्ट साइड जहाँ पे मैडम हमारी बैठी थी वो ग्लास तोड़ के और मुंह पे स्टेप करने के लिए गए। हाथ में क्या था क्या नहीं, जब तक कि हम चिल्लाएं तब तक के हाथ के ऊपर उसने स्टैबिंग किया और बोला कि ये टोकन है, ये टोकन है, तुमको और तुम्हारे खानदान को नष्टो नाबूद कर देंगे और तुम बहुत उड़ रही हो, और बे इंतहा गालियाँ दी। ये लगभग 11:15 बज रहा था, 11:20 नया नगर का बैक रोड का हम घर से डॉक्टर अहमद राणा साहब हैं उनसे मुलाकात करने जा रहे थे। पुलिस ने बोला पहले मैडम का ट्रीटमेंट कराइए, बाद में FIR की, फिर बाद में पुलिस खुद यहाँ पे आके स्टेटमेंट लेने के लिए आई थी, लेकिन वो स्थिति में नहीं है, ऐसी कोई स्थिति में नहीं कि कुछ भी बोल सकें या कह सकें। 4 जून को एक वीडियो तो डाला था, एक्चुअली ये पार्टी का कुछ इंटरनली मैटर है, मगर इसका उन्होंने शिकायत भी करी थी और वीडियो भी डाला था, जो वरिष्ठ हैं उनको शिकायत भी करी थी लिखित में। इस घटना के बाद सुल्ताना खान के पति ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सुल्ताना खान की अभी तबीयत उस कंडीशन में नहीं है कि वो हमें बयान दे सके, हम बाद में आकर उनसे पूरी जांच पड़ताल करेंगे। ये बैक रोड से दीपक हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, तो उस वक्त 2 अनजान व्यक्ति उनको सामने आए और कुछ बहस हुई है, लेकिन अभी पूरी जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि जो मैडम है अभी डरी हुई है और बोलने की स्थिति में नहीं है। उसके लिए हमने डॉक्टर साहब से भी ओपिनियन लिया है कि पेशेंट इज नॉट कॉन्शियस टू गिव स्टेटमेंट। जब मैडम स्टेटमेंट देगी पूरा, उसके बाद ही आगे क्या है हमारे वरिष्ठ अधिकारी आपको बताएंगे। बता दें कि भाजपा महिला अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष सुल्ताना खान को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। वो मेरे पास आए थे, उनके लेफ्ट हैंड में उनको एक 5 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के निशान है, निशान लेफ्ट हैंड में ब्लीडिंग हो रही थी। हमने ब्लीडिंग 3 स्टेजेस लगाकर ब्लीडिंग स्टॉप किया और ड्रेसिंग किया उनको और वाइटल वगैरह सब चेक किया, तो उनका वाइटल वगैरह सब में थोड़ा सा वीकनेस आ रहा था उनको, तो एक DNS लाइन लगाया, बस नाउ पेशेंट स्टेबल है।